हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम जसराज और आप देख रहे हैं जसोर ई मित्र चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर लेटेस्ट वर्जन के अंदर फिंगरप्रिंट डिवाइस से आईडी को लॉगिन करना बताऊंगा, ई मित्र आईडी को। तो आप यहां पर ध्यान से देख लीजिए कि क्या क्या हमारे को इसमें सेटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर फिंगरप्रिंट पर क्लिक किया है, यहाँ पर राइट किया है। तो यहाँ पर हमने अभी इसी गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर कोई भी सेटिंग नहीं की है, तो यहाँ पर हमारे को एरर ही आएगा। तो यहाँ पर आपको गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर क्या क्या सेटिंग करनी है, इस सेटिंग के बारे में अपन जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम ब्राउजर है इसको लेटेस्ट अपडेट कर लीजिए। यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर हेल्प पे जाइए और यहाँ पर अबाउट गूगल क्रोम पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका अगर गूगल क्रोम इज अप टू डेट आ रहा है तो इसके बाद में आपको क्या सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे इस जसोर ई मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देख रहे हो आप एडवांस टैब आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शन पे आपको यहाँ पर राइट कर देना है। उसके बाद में एक और सेटिंग करनी है, वो सेटिंग क्या है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऊपर ब्राउजर के अंदर क्रोम दो बिंदु फ्लैश फ्लैग यहाँ पर लिखना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आप यहाँ पर लिखोगे तो इस प्रकार से ये गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर कंट्रोल एफ कीबोर्ड से टाइप करना है। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर सर्च करना है इनवैलिड। इनवैलिड सर्च करोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट फॉर रिस्पॉन्स यहाँ से इस प्रकार से ये आ जाएगा और यहाँ से डिसेबल होगा तो यहाँ पर एनेबल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको SSO ID है वो गूगल क्रोम ब्राउजर है वो रिलॉन्च कर देना है। तो इस प्रकार से आपका गूगल क्रोम ब्राउजर है वापस रिलॉन्च हो जाएगा। फिर आप अपनी SSO ID है वो आप लॉग इन करके चेक करिएगा और हमें भी बताइएगा कि आपकी SSO ID में बायोमेट्रिक से लॉग इन हुई या नहीं हुई। तो एक कमेंट आपको जरूर करना है। तो यहाँ पर मैंने टिक किया है और मेरे बायोमेट्रिक डिवाइस के अंदर लाइट आ गई है और मैंने यहाँ पर फिंगर भी रख दिया है। तो ये हमारी ई मित्र आईडी है, ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गई। तो आप ई मित्र के अलावा और भी कोई भी काम करते हैं तो भी ये ट्रिक आप अपनाओगे तो आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस है वो बिल्कुल वर्क करेगी। किसी भी आपकी कंपनी की बायोमेट्रिक डिवाइस है तो सेम इसी तरीके से सब डिवाइस काम करेगी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ गया है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और एक कमेंट हमें ज़रूर करके बताएं इस वीडियो के अंदर आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी और आगे हमें कौन सा वीडियो बनाना चाहिए, आपको किस वीडियो से क्या हेल्प मिलती है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।